सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं शूटर के बारे में। ये कहानी है बॉब ली स्वैगर की, जो एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है और सबको ये बात पता है कि बॉब कितना खतरनाक स्नाइपर है। इसीलिए कुछ लोग बॉब को एक बहुत बड़े साजिश में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉब को पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हमारे तीसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि सिनेमा शौकीन 3.0 को। हमारे कुल 4 चैनल्स हैं, जिनमें से हमारा तीसरा चैनल बहुत ही पीछे है और उस चैनल पे आप लोगों के प्यार की वाकई में जरूरत है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके जाएं हमारे तीसरे चैनल पे और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम तीसरे चैनल पर भी रेगुलर वीडियोज अपलोड करते हैं और वहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्में देखने को मिलेंगी। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने इथियोपिया का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसका नाम है बॉब, और बॉब के साथ उसका स्पोटर भी होता है जिसका नाम है डैनी, और ये दोनों अपने काम में लगे हुए होते हैं। तभी डैनी अपनी पत्नी का जिक्र करता है और उसके बारे में बताता है कि उसे क्या क्या चीजें पसंद है। फिर हम इथियोपिया के यूएस आर्मी के कैंप को देखते हैं, जिन्होंने अपने लोगों पे नजर रखा हुआ है, क्योंकि वो लोग एक मिशन से लौट करके आ रहे हैं और इन्हें पता है कि यहाँ पर जरूर खतरा होने वाला है, इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे बॉब को भेजा है। फिर देखते ही देखते बॉब के सामने से यूएस आर्मी की गाड़ियाँ आने लगती है। तभी वो यहाँ पे दुश्मन को देखता है, जो एक गाड़ी के ऊपर अपनी बंदूक लेकर के जा रहा होता है। फिर बॉब यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो इतने दूर से ही उस आदमी को मार गिराता है, और बॉब को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, कि उसने दुश्मन का खात्मा कर दिया। फिर यूएस आर्मी की गाड़ियाँ भी आगे बढ़ने लगती है। तभी देखते ही देखते यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन चले आते हैं और वो इन पे अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं, इसीलिए बॉब भी उन पे गोलियां चलाता है। लेकिन अब बॉब को पता लग जाता है कि यहाँ का मामला हाथ से बाहर निकल रहा है, इसीलिए वो डॉनी को कहता है कि वो बेस पे कॉन्टेक्ट करे, और डॉनी बेस पे सारी बातें बताता है। तभी दुश्मन यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स बुलवा लेते हैं, लेकिन जैसे ही इन लोगों को ये बात पता लगती है, सारे लोग बॉब को त्याग देते हैं और यहाँ तक कि CIA भी, और वो अपने रेडियो को ऑफ कर देते हैं, इसीलिए अभी लोग CIA से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते और इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या करें। तभी इन पे हमला होने लगता है, इसीलिए ये लोग भी जमकर मुकाबला करते हैं, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर का मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से एक गोली चलती है और वो गोली आकर के लगती है डॉनी को, और डॉनी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, जिससे बॉब बहुत ज्यादा भड़क जाता है। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और यहाँ पे अपना फिर से कमाल दिखाता है और हेलीकॉप्टर पे गोली चला करके उसे क्रैश करवा देता है। उसके बाद हमें 3 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है और हम एक वीरान जगह पे बॉब को देखते हैं। फिर हमें पता लगता है कि बॉब उस हादसे में जिंदा बच गया था, लेकिन उसके बाद से उसने अपने आप को सरकार से दूर कर लिया है और वो अलग अपनी जिंदगी बिता रहा है। तभी हमारे सामने अमेरिका का दृश्य आता है और यहाँ पर हम देखते हैं रिटायर्ड यूएस आर्मी कर्नल आइजैक जॉनसन को, और जॉनसन के साथ उसके 2 साथी होते हैं जिनका नाम है पेन और डॉबलर। लेकिन यहाँ पे ये सारे लोग अभी बॉब के बारे में बात कर रहे हैं और उसकी काबिलियत के बारे में, कि उसने इथियोपिया में क्या किया था। जब CIA ने उसे त्याग दिया, तब भी बॉब ने हार नहीं माना और उसने लगभग सारे दुश्मनों को मार गिराया और वहाँ से अकेला ही जिंदा बच करके आया। और जिस CIA एजेंट ने उसे और उसके साथी को त्यागा था, उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं कि उसे किसने मारा है। लेकिन बॉब अब रिटायर हो चुका है और अभी हमारे काम को सिर्फ बॉब ही कर सकता है, इसीलिए अब जॉनसन पहुंचता है बॉब के पास। लेकिन बॉब अब किसी भी सरकारी अधिकारी से बात तक नहीं करना चाहता, लेकिन जॉनसन उसे मना लेता है और कहता है कि तुम बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो। और इतने कहने के बाद जॉनसन अब बॉब को पूरी बात बताता है कि राष्ट्रपति पे हमला होने वाला है, क्योंकि जल्दी ही वो कई जगहों पे भाषण देने जाने वाले हैं, और हमें खुफिया सूत्रों से पता लगा है कि वो कातिल एक स्नाइपर होगा जो मीलों दूर से निशाना लगाने वाला है राष्ट्रपति पे, इसलिए शायद हमारे लोग उसे ना पकड़ पाए, क्योंकि इतनी दूर तक हमारी सिक्योरिटी नहीं होती है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम उस आदमी को पकड़ पाओगे, क्योंकि तुम भी एक बेहतरीन स्नाइपर हो। तब बॉब बताने लगता है कि उतने दूर से निशाना लगाना कितना मुश्किल है और एक स्नाइपर को क्या क्या करना पड़ेगा अगर वो राष्ट्रपति को मारना चाहता है तो। लेकिन ये सारी बातें बताने के बाद भी बॉब कहता है कि वो इस काम को नहीं करेगा। तब जॉनसन यहाँ पे फिर से समझाने लगता है बॉब को और उसे देशभक्ति की बातें सुनाने लगता है और कहता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हुई तब उनका खून तुम्हारे सर पे होगा अगर तुमने मदद नहीं किया तो। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तब बॉब भी सोच में पड़ जाता है और वो इसी के बारे में सोच रहा होता है, इसीलिए अगले दिन वो अपनी बंदूक निकालता है और 1 मील दूर से निशाना लगाता है और उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। तब वो समझ जाता है कि 1 मील दूर से भी राष्ट्रपति को मारा जा सकता है, इसीलिए वो अगले दिन पहुंचता है राजधानी यानी वॉशिंगटन, क्योंकि राष्ट्रपति का पहला भाषण यहीं पे होने वाला है। इसीलिए अब बॉब यहाँ के पूरे जगह को देखने लगता है कि आखिर हमला कहाँ से होगा। लेकिन एक के बाद एक अब बॉब हर एक शहर में जाता है जहाँ जहाँ राष्ट्रपति जाने वाले हैं, और अंत में उसे पता लग जाता है कि वो खूनी कहाँ से हमला करेगा। इसीलिए वो पहुँचता है जॉनसन के पास और कहता है कि वो आदमी राष्ट्रपति को फिलाडेल्फिया में मारेगा, और वो उस जगह के बारे में भी बताता है जहाँ से वो आदमी हमला कर सकता है। तब जॉनसन उसे समझाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ कि उस दिन तुम हमारे साथ रहो, क्योंकि हमें उस आदमी को जिंदा पकड़ना है, तभी हमें पता लग पाएगा कि राष्ट्रपति को मारने की साजिश कौन कर रहा है। इसीलिए अब बॉब भी इनका साथ देने के लिए मान जाता है और ये लोग पहुँचते हैं
फिलाडेल्फिया और सब लोग अपने अपने जगहों पे लग जाते हैं और बॉब ने भी उस जगह पे नजर रखा हुआ है जहां से गोली चलने वाली है। तभी यहां पर हम आज के मेहमान को देखते हैं और ये एक इथोपियन आर्क बिशप है जिसका नाम है डेस्मोंड मुटिम्बो और वो भाषण दे रहा होता है। तभी यहां पर राष्ट्रपति आते हैं लेकिन अब देखते ही देखते सारी चीजें गड़बड़ होने लगती है और एक आदमी यहां पे गोली चलाता है लेकिन वो राष्ट्रपति पे नहीं बल्कि आर्क बिशप पे गोली चलाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद बॉब चौंक जाता है। तभी एक पुलिस वाला बॉब पे गोली चला देता है और बॉब यहां से भागने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो भागता जाता है। लेकिन अब ये लोग उस पर गोलियां चला रहे हैं। तभी यहाँ पर हम एक FBI के एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है मेम्फिस और अब उसे भी पता लग जाता है कि बॉब नाम के आदमी ने यहाँ पे गोली चलाई है। तभी हम जॉनसन के आदमियों को देखते हैं और वो आकर के उस पुलिस वाले को गालियां देते हैं और कहते हैं कि आखिर बॉब यहाँ से जिंदा कैसे बच गया। और फिर ये लोग यहाँ पे बॉब की बंदूक को रखने लगते हैं जिसे ये लोग उसके घर से लेकर के आए हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये सारे लोग बॉब को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। तभी हम बॉब को देखते हैं जो यहाँ से भाग रहा होता है लेकिन अब मेम्फिस उसके सामने आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है लेकिन बॉब उसे उठाकर पटक देता है और उसे कड़ी लगा करके कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। और इतना कहने के बाद वो मेम्फिस की गाड़ी लेकर के भागने लगता है। फिर ये लोग जल्दी ही गाड़ी का नंबर बता देते हैं पुलिस वालों को कि बॉब उसी गाड़ी में भाग रहा है, इसीलिए अब बॉब भागता जाता है और पुलिस वाले उसका पीछा करते जाते हैं। तब बॉब अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोकता है और वो अपने जख्मों का उपचार करने की कोशिश करता है और एक बार फिर से गाड़ी लेकर के भागने लगता है और भागता हुआ पहुंचता है एक पुल पे जहां पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और बॉब के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता है। तब बॉब निश्चय करता है कि वो अपनी गाड़ी को लेकर के नदी में कूद जाएगा, इसलिए वो अपनी गाड़ी को नदी में कूदा देता है। तब बोट से पुलिस वाले उस गाड़ी को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद उन्हें गाड़ी मिल जाती है लेकिन वो देखते हैं कि इस गाड़ी में बॉब नहीं है। लेकिन फिर भी वो बॉब को ढूंढना जारी रखते हैं। तभी हम बॉब को देखते हैं जो एक नाव की रस्सी को पकड़ करके यहाँ से भाग रहा होता है और जल्दी ही किनारे पे पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद उसे एक ट्रक मिलता है लेकिन बॉब को दो गोलियां लगी हुई है इसीलिए उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिर भी वो ट्रक चलाता हुआ यहाँ से निकलने लगता है। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं और अब पूरी की पूरी FBI उस पर गुस्सा है क्योंकि बॉब उसकी गाड़ी छीन करके भागा था लेकिन मेम्फिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए वो सबको कहता है कि हमें जैसा दिख रहा है वैसा शायद बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उस आदमी ने मुझसे कहा था कि उसने किसी को नहीं मारा और उसने कहा कि कुछ पुलिस वाले भी इसमें मिले हुए हैं, इसीलिए हमें इस केस की तह तक जाना चाहिए। लेकिन कोई भी यहाँ पे मेम्फिस की बातों को नहीं सुनता और मेम्फिस का डिमोशन कर देता है, इसीलिए वो कॉल सेंटर में काम करने वाला है। तभी हम बॉब को देखते हैं और बॉब न्यूज पे अपने आप को देखता है और उसे पता लगता है कि इन लोगों ने कितना बड़ा सेटअप किया है क्योंकि बॉब हर एक उस जगह पे गया था जहाँ पे राष्ट्रपति जाने वाले थे और मीडिया वाले उन सारे क्लिप्स को दिखा रहे हैं ताकि वो साबित कर सके कि बॉब कितने दिनों से प्लानिंग कर रहा था, इसीलिए बॉब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो एक दुकान पे जाता है और कुछ चीजें खरीदता है और उन्हें लेकर के चला आता है एक टॉयलेट में और अपने जख्मों को ठीक करने लगता है लेकिन इस स्टोर की औरत पहचान जाती है कि ये बॉब ही है, इसीलिए वो FBI को कॉल करती है लेकिन अब उस कॉल को मेम्फिस उठाता है। फिर वो इस बात को अपने सीनियर को बताता है लेकिन ये लोग अब मेम्फिस के किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर रहे, इसीलिए अब मेम्फिस दिन रात काम करने लगता है इस केस पे ताकि वो इसकी तह तक पहुंच सके। तभी हम बॉब को देखते हैं जो पहुंचता है सेरा नाम की एक लड़की के पास क्योंकि ये डोनी की पत्नी है, लेकिन सेरा बॉब को देख करके डर जाती है। तब बॉब उसे समझाता है और बताता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और बॉब ये भी कहता है कि मुझे डोनी ने कहा था कि तुम एक नर्स हो, इसलिए तुम चाहो तो मेरा इलाज कर सकती हो, मुझे दो गोलियां लगी है। तब सेरा भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं और मेम्फिस अपने एक पार्टनर से बात करता है जिसका नाम है गलिंडो और वो उसे पूरी बात बताता है कि उसे लगता है कि बॉब को फंसाया जा रहा है क्योंकि मेम्फिस ने रात भर बॉब की फाइल्स देखी है और उसे पता लगा है कि बॉब मीलों से किसी को भी मार सकता है। फिर बॉब इतने नजदीक से अपना निशाना कैसे चूक सकता है क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है, तब वो इतने नजदीक से अपना निशाना कैसे चूक जाएगा, इसीलिए मुझे उस पुलिस वाले पे शक है जिसने गोली चलाई थी बॉब पे और जिसने बॉब को पकड़ा था। तब इस बात को सुनने के बाद गलिंडो कहती है कि रात ही उस पुलिस वाले को मार दिया गया है और सबका कहना है कि एक चोर ने उसे मारा है। तब इस बात को सुनने के बाद मेम्फिस को भरोसा हो जाता है कि बॉब को फंसाया जा रहा है और धीरे धीरे वो लोग सारे सबूतों को मिटा रहे हैं। तभी हम बॉब को देखते हैं जिसका उपचार अब सेरा कर रही है और धीरे धीरे बॉब की हालत ठीक हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जॉनसन बहुत ही ज्यादा परेशान है और वो सबको कहता है कि वो जल्दी से जल्दी बॉब को ढूंढे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें एहसास हो जाता है कि बॉब अभी भी जिंदा है। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं जो अपने काम में लगा हुआ है और वो इस केस की और भी गहराई में जा रहा है। तभी हम बॉब को देखते हैं जिसे होश आ जाता है। तब सेरा उसे बताती है कि उसके कुत्ते को भी मार दिया गया है, इसीलिए बॉब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी प्लानिंग करने लगता है कि वो सबको कैसे सबक सिखाएगा। तभी वो न्यूज चैनल पे मेम्फिस को देखता है, फिर वो अपना प्लान बनाने लगता है और वो सेरा की मदद लेता है और अगले दिन सेरा को भेजता है मेम्फिस के पास, इसीलिए अब सेरा पूरी की पूरी बात बताती है मेम्फिस को और वो जॉनसन के गाड़ी के इंजन का नंबर भी देती है और बताती है कि जॉनसन ने ये सब कुछ करवाया है। और सब कुछ बताने के बाद अब सेरा निकलने लगती है। तब हमें पता लगता है कि कुछ लोगों ने मेम्फिस पर भी नजर रखा हुआ है। तभी हम पास में ही बॉब को देखते हैं और कुछ पुलिस वाले बॉब को पहचान जाते हैं, लेकिन बॉब बड़ी ही आसानी से इन दोनों को पीटता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब मेम्फिस के पास उस इंजन का नंबर है, इसीलिए वो उस गाड़ी के बारे में पता लगाने लगता है और वो इस काम में गैलिंडो की मदद लेता है।
करता है। तभी ये बात जॉनसन को पता लग जाती है कि एक FBI एजेंट इनकी गाड़ी का नंबर ढूंढ रहा है और ये वही आदमी है जिसकी गाड़ी छीन करके बॉब भागा था, इसीलिए अब जॉनसन उसे भी मरवाना चाहता है। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं और जॉनसन के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, फिर उसे टॉर्चर करने लगते हैं और अब ये लोग उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे बॉब आ जाता है और वो अपने बेहतरीन निशाने की मदद से एक एक करके सबको मारने लगता है। लोग हर जगह छुपने की कोशिश करते हैं लेकिन बॉब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता और अंत में वो मेम्फिस को बचा लेता है। फिर मेम्फिस भी इसके साथ मिल जाता है। तभी हम जॉनसन को देखते हैं और जॉनसन को खबर मिलती है कि मेम्फिस को किसी ने बचा लिया है और जॉनसन के सारे लोग मारे गए हैं, इसीलिए अब इसे भरोसा हो जाता है कि बॉब अभी भी जिंदा है। फिर ये लोग बॉब के बारे में और भी चीजें पता लगाते हैं और इन्हें पता लगता है कि बॉब हर साल एक औरत को फूल भेजा करता था और उस औरत का नाम है सेरा, इसीलिए जॉनसन अपने आदमियों को भेजता है सेरा के पीछे। तभी हम बॉब और मेम्फिस को देखते हैं और ये दोनों जाते हैं एक एक्सपर्ट के पास और उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या एक गोली को दोबारा चलाया जा सकता है, यानी कि एक गोली को दो बंदूक से। तब वो थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि हाँ, पेपर पैचिंग की मदद से ये किया जा सकता है। तब इस बात को सुनने के बाद बॉब पूछने लगता है कि ऐसे कौन कौन से स्नाइपर्स हैं जो मीलों दूर से गोलियां चला सकते हैं। तब ये आदमी सबसे पहला नाम बॉब का लेता है क्योंकि बॉब को इसने पहले कभी नहीं देखा था। तब बॉब किसी और स्नाइपर के बारे में पूछता है। तब ये आदमी एक और खतरनाक स्नाइपर के बारे में बताता है और बॉब जैसे ही इस आदमी के बारे में सुनता है उसे जॉनसन का एक साथी याद आता है जो हमेशा ही व्हीलचेयर पे बैठा रहता था। तब उसे शक हो जाता है, इसीलिए वो मेम्फिस को पूरी बात बताता है। तब मेम्फिस कॉल करता है गलिंडो को और गलिंडो उस आदमी के बारे में पता लगाने लगती है और थोड़े समय के बाद इन्हें उसका नाम पता लगता है। इसका नाम है मिखायो और गलिंडो यहाँ पे मिखायो के फार्म हाउस का एड्रेस भी देती है। तभी हम जॉनसन को देखते हैं और जॉनसन समझ जाता है कि अब तक बॉब ने पता लगा लिया होगा मिखायो के बारे में, इसीलिए वो अपने सारे लोगों को इकट्ठा करने लगता है ताकि बॉब जब मिखायो को मारने आए तब ये लोग उसे आसानी से मार सके। तभी जॉनसन के लोग सेरा को भी पकड़ लेते हैं और बॉब पहुंचता है मिखायो के फार्म हाउस पे। तब वो समझ जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं, इसीलिए बॉब भी अपनी तैयारी करने लगता है और वो मेम्फिस को गन चलाने की प्रैक्टिस करवाता है और देखते ही देखते ये लोग हमला करने लगते हैं और फार्म के चारों ओर बॉम्ब्स लगा देते हैं। फिर सबको मारने के बाद बॉब पहुंचता है मिखायो के पास और उसे कहता है कि तुम लोगों ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब मिखायो यहाँ पे पूरी बात बताता है और कहता है कि हम कभी भी राष्ट्रपति को मारना नहीं चाहते थे, हमें आर्क बिशप को मारना था। तब बॉब कहता है कि आखिर क्यों। तब वो बताता है क्योंकि इथियोपिया में एक पाइपलाइन बिछाया गया था लेकिन वो पाइपलाइन एक गांव से होकर के जा रही थी और पूरे गांव को खाली करवाना था, लेकिन जब लोगों ने मना किया तब उस पाइपलाइन के मालिकों ने पूरे गांव के लोगों को मरवा दिया और सबको एक बहुत बड़े कब्र में ले जाकर के दफना दिया। तब बॉब को सारी चीजें याद आती है कि 3 साल पहले जब वो इथियोपिया में था तब गांव वाले इसीलिए यूएस आर्मी पे हमला कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूएस आर्मी वालों ने उनके गांव वालों को मारा है और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। अमेरिका के सेनेटर इसमें मिले हुए हैं और वही इस गिरोह को चलाते हैं और जॉनसन उनके लिए ही काम करता है और उस दिन आर्क बिशप इन सारी बातों को जनता को बताने वाला था, इसीलिए उसे मारना पड़ा। और तुम्हें इसलिए फंसाया गया क्योंकि किसी न किसी को कातिल बना करके सामने पेश करना था ताकि इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और इतना कहने के बाद मिखायो ये भी बताता है कि उन लोगों ने सेरा को बंधक बना करके रखा है। फिर मिखायो अपने आप को गोली मार लेता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे और लोग आ जाते हैं और वो इन पे हमला करने लगते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इन लोगों ने पहले से यहाँ पे बॉम्ब्स लगा रखे हैं, इसीलिए वे लोग एक एक करके बॉम्ब्स फोड़ने लगते हैं और बॉब सबको मारता हुआ बाहर निकलता है और जैसे ही वो घर से दूरी पे जाता है वो पूरे के पूरे घर को उड़ा देता है, इसीलिए यहाँ के लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। तभी बॉब यहाँ पे फिर से एक हेलीकॉप्टर को देखता है, इसीलिए वो फिर से एक प्लानिंग करता है और वो मेम्फिस को भागने के लिए कहता है ताकि वो हेलीकॉप्टर का निशाना लगा सके। और जैसे ही हेलीकॉप्टर उसके रेंज में आता है बॉब यहाँ के एक गैस टैंक को ब्लास्ट कर देता है, इसीलिए देखते ही देखते वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर जाता है। तभी हम जॉनसन और सेनेटर को देखते हैं और अब इनकी हालत खराब हो रही है क्योंकि इन्हें पता है कि बॉब धीरे धीरे इनके नजदीक आ रहा है। तभी हम मेम्फिस को देखते हैं जो FBI को कॉल करता है और कहता है कि मैंने बॉब को पकड़ लिया है और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। लेकिन अब जॉनसन को ये नंबर मिल चुका है क्योंकि जॉनसन के पास FBI का एक्सेस है, इसलिए अब जॉनसन कॉल करता है बॉब के पास और बॉब को कहता है कि मेरे पास सेरा है, अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तब अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तब बॉब यहाँ पे मिखायो की रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये रिकॉर्डिंग चाहिए तब सेरा और सेनेटर को लेकर के मेरे बताए हुए जगह पे आ जाओ, और जॉनसन भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। और अगले दिन सेनेटर और जॉनसन सेरा को लेकर के पहुंचते हैं एक बर्फीले पहाड़ पे। तभी ये सामने से देखते हैं कि कोई आ रहा है लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे हर जगह स्नाइपर्स को छुपा रखा है, इसीलिए इनका स्नाइपर उसे मार देता है और सबको लगता है कि इन लोगों ने बॉब को मार दिया, लेकिन बॉब कहीं दूर छुपा हुआ है, इसीलिए वो एक एक करके सारे स्नाइपर्स को मारने लगता है। तब हमें पता लगता है कि इन लोगों ने जिसे गोली मारी थी वो मेम्फिस था, इसीलिए मेम्फिस भी उठ करके खड़ा हो जाता है और अपने शरीर से लोहे के टुकड़े निकालने लगता है क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर पे लोहे के टुकड़े लगा रखे थे। लेकिन अब एक आदमी बंदूक तान देता है सेरा पे लेकिन बॉब उसे भी बड़े ही आसानी से मार गिराता है और इनके सामने आने लगता है। तभी हम FBI को देखते हैं और उन्हें मेम्फिस का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने सारी बातें बता रखी है, इसीलिए अब FBI वाले भी निकल पड़ते हैं उस पहाड़ पे जाने के लिए। तभी बॉब आता है सेनेटर के पास, तब सेनेटर उसे बताने लगता है कि पूरी सरकार इस चीज में मिली हुई है और हर जगह के अधिकारी, इसीलिए इस चीज को खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है। तब इस बात को
सुनने के बाद बॉब उस टेप को जला देता है। तब मेम्फिस परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि अगर मैंने ये टेप गवर्नमेंट तक पहुंचा दी तब वो ताउम्र तुम दोनों को भी परेशान करेंगे। और इतना कहने के बाद वो सबको छोड़ देता है। इसीलिए सेनेटर यहाँ से चला जाता है और एफबीआई वाले आकर के पकड़ लेते हैं बॉब को। फिर बॉब पे कार्यवाही चलने लगती है और जल्दी उसे जज के सामने पेश किया जाता है। और यहाँ पे बॉब की राइफल भी होती है और सारे लोगों का कहना है कि बॉब ने इसी राइफल से गोली चलाई थी। इसीलिए बॉब यहाँ पे अपनी आखिरी दलील पेश करता है। वो अपनी बंदूक उठाता है और जॉनसन की तरफ रख के चला देता है, लेकिन गोली नहीं चलती। तब बॉब सारी चीजें बताता है और कहता है कि मैं हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले अपनी सारी बंदूकों के फायर पिंस को निकाल देता हूँ, इसीलिए इससे गोली नहीं चल सकती। और इस बंदूक को ला करके एज इट इज आप लोगों को दिया गया है, लेकिन वो गोली इसी बंदूक से चली थी बहुत दिन पहले और पेपर पैचिंग की मदद से उसी गोली को दूसरे बंदूक से चलाया गया। और इतना कहने के बाद वो जॉनसन की पूरी बात बताता है कि जॉनसन ने कैसे इन सारे काम को अंजाम दिया है। तब मेम्फिस यहाँ पे पूरी फाइल लेकर के आता है और वो इथोपिया के सारे मरे हुए लोगों की लाशों को दिखाता है। तब जॉनसन भी सारी बातों को कबूल कर लेता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने ये सारे क्राइम इथोपिया में किए थे और अमेरिका सरकार मुझे इसके लिए कभी भी सजा नहीं दे सकी। और इतना कहने के बाद जॉनसन यहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। तब इन चीजों को देखने के बाद यहाँ के जजेस भी गुस्सा हो जाते हैं और एक जज आता है बॉब के पास और कहता है कि ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और बॉब भी यहाँ पे जज का इशारा समझ जाता है और अब बॉब को भी निर्दोष करार दे दिया जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। तभी हम रात को देखते हैं जॉनसन और सेनेटर को, लेकिन अब बॉब यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है और वो दूर से ही इनके एक एक आदमियों को मारने लगता है। और जैसे ही जॉनसन खड़ा होता है वो उसे भी मार देता है, लेकिन सेनेटर नीचे छुपा हुआ है, इसीलिए बॉब अब बाकी लोगों को मारता है। फिर घर के अंदर आता है और वो सेनेटर की भी हत्या कर देता है और घर के गैस पाइपलाइन को बाहर निकालता है। फिर घर से बाहर जाता है और पूरे के पूरे घर को ब्लास्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर सेहरा उसका इंतजार कर रही है, इसीलिए बॉब आकर के सेहरा की गाड़ी में बैठता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।